इस्लामिक देश हो गए, लेकिन 712 से लगातार आक्रमण होते हुए आज ही भारत भारत है। और एक सनातन धर्म के प्रवक्ता के नाते मैं जिंदा हूं, सामने खड़ा। लाखों लोग अपने को सनातनी और सनातन धर्म से निकले हुए और सारे रिलीजन के रूप में अपने को स्थापित है, तो कितना बड़ा संघर्ष किया होगा इस देश ने। कैसे साउथ ईस्ट एशिया के 19 देशों में आज बौद्ध धर्म बचा हुआ, बाकी दुनिया समाप्त हो गई। तो किस प्रकार का संघर्ष का इतिहास हमारा है, ये हमारे फोर्स में नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि संघर्ष का इतिहास, युद्ध का इतिहास कैसे हम स्थापित कर सकते हैं। एक अंतिम विषय है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। आज आर्थिक युग की चर्चा होती है, हमारा आर्थिक इतिहास नहीं है। मैं एमए में एक पेपर हमारे पास था, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। एक आचार्य जी थे, हमको एक कमरे पढ़ाते थे, 5-6 विद्यार्थी थे, और वही पढ़ते हुए युग बिक्रिया अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, किसी का बंदोबस्ती, किसी का मार्केटिंग, यही। लेकिन किस प्रकार का एक मंदिर उस आसपास के 100 गांवों को आर्थिक रूप से समृद्ध करता है। आज एक प्रयाग में 3 करोड़ लोग आने वाले हैं, एक आदमी अगर 1,000 रुपए खर्च करता है तो कितना रुपया होगा। एक प्रयाग का कुंभ प्रयाग को क्षेत्र का कैसे समृद्ध करता है, चाहे विदेशी पैसा हो चाहे स्वदेशी पैसा। एक एक रुपया इकट्ठा करके गांव के गरीब तख्ता अपने साथ में वो मंदिर डंप होती है, और कैसे वह मेला और त्योहारों के माध्यम से वो जाकर समाज में संचरण की व्यवस्था बना देती है। इस पर हमारा काम नहीं हुआ। कैसे हम दुनिया में स्थापित रहे, कैसे गोवा आधारित कृषि रही, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही, अर्थ हमारा धर्म के आधार संचालित रहा, हमेशा अर्थ धर्म से संचालित रहा और धर्म को अर्थ ने बढ़ाया। ये प्रसार का जो चारों आयाम है उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे बरसात का महीना होता है, सारे मार्केट ठप हो जाते हैं, ट्रेन भी खाली जाती है, हवाई जहाज भी खाली जाता है, और जैसे शादी विवाह और त्योहार उत्सव शुरू होता है, सारे प्लेन पैक, सारी ट्रेन पैक, सारे बसें पैक, सारे मार्केट खुल जाते हैं। धर्म का कोई स्थान नहीं है धर्म निरपेक्ष देश में, जहां भारत की 97% इकोनॉमी धर्म के आधार पर संचालित होती है, और वहां कहते धर्म निरपेक्ष देश में उसका कोई मतलब नहीं, पढ़ाया नहीं गया। आवश्यकता है 6 आयाम पर हम ठीक प्रकार से पढ़ें और 6 आयाम को ठीक से देखें। इतिहास की परिभाषा क्या है, हमारे ग्रंथों में इतिहास कहाँ है, हमारे जिले का इतिहास कैसे लिखा जा सकता है, हमारे सुदूर गांव में भारतीय इतिहास संस्कृति कैसे संरक्षित और वंचित है, हमारे युद्ध का इतिहास कैसा है। अमेरिका पढ़ा रहा है भारत चीन का युद्ध का परिणाम, लेकिन भारत को ओपन नहीं किया गया, सीक्रेट डॉक्यूमेंट में रखा गया, कैसे हार गया। आवश्यकता है कि हम गांव-गांव में ऐसे प्रोटेक्शन का इतिहास, कैसे बाहरी लोगों के संघर्ष कैसे हमने किया, कैसे सोमनाथ इतने बार टूटा और हमने अंत में विजय प्राप्त किया, ये सारे इतिहास हमारे सामने आना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टि से हम कैसे देख सकते हैं। अगर भारतीय दृष्टि से देखेंगे तो भारत एक राष्ट्र है, हमारे ऋषियों ने भद्रम पश्याम ऋषियों ने भद्र भाव से इस राष्ट्र को देखा है और इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस राष्ट्र का इतिहास, गुजरात का इतिहास, पाटन का इतिहास, एक एक गांव का इतिहास, व्यक्ति का इतिहास, पेड़ का इतिहास, इकोनॉमिक्स का इतिहास, एग्रीकल्चर का इतिहास, दादी माँ के कहानियों में इतिहास के माध्यम से भारत का इतिहास एक समृद्ध इतिहास के रूप में, राजस्थान के सज्जन ने कहा ये जिले का इतिहास लिखोगे पढ़ेगा कौन, गाली देते हुए लिखा उन्होंने। हमको याद भी आया कि बचपन में हम लोग घूमते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि एक नाव पर बहुत बड़ा रुई कॉटन जा रहा था और रुई ढूंढने वाला गिर के बहुत हो गया, इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। एक आदमी महात्मा गांधी जी के नाम पर 150 जिल्द बन सकते हैं एक बार, लेकिन भारत का इतिहास का अधिकतम 12 जिल्द बना और वे आरसी मजुमदार ने लिखा। भारत का इतिहास अगर 1,500 जिल्द बनता है तब भी बहुत कम है। इतिहास हमारी धरोहर है, इतिहास हमारी जीवन शक्ति है, इतिहास हमारा श्वास है, इतिहास ऑक्सीजन है, इतिहास जीवन की शक्ति है। इतिहास का अध्ययन का रेलिवेंस होना चाहिए, बिना प्रासंगिक का इतिहास पढ़ना बेमानी है। इसलिए गांव-गांव में, घर घर में, प्रत्येक विद्यार्थी में, जो इतिहास का विद्यार्थी हो उसमें भी, नहीं हो उसमें भी, प्रत्येक में इतिहास का बोध होना चाहिए। क्योंकि जो इतिहास भूल जाता है उसका स्वाभिमान नहीं, उसका संपूर्ण नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा इतिहास के विद्यार्थी के नाते भारत के इतिहास को भारतीय दृष्टि से देख करके और उसका शोधन, उसका
उसका प्रकाशन और उसका सिलेबस का निर्माण भारतीय चैतन्य के प्रकाश में हो, इतना ही प्रार्थना करते हुए मैं अपना यह बीज वक्तव्य आधे अधूरे को छोड़कर जा रहा हूँ।